महानगर के गोलघर स्थित एक होटल में रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए व्यापारियों का आह्वान किया और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उसके निस्तारण पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने व्यापारियों से महीने में एक बार बैठक कर आपस में अपनी समस्याओं पर चर्चा करने का निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा, बहुत ही हमारे एक समझिए कि कंधे से कंधा मिलाकर के आप काम करते हैं हमारे साथ। हो सकती है, अगर हम करना चाहेंगे तो हो सकती है, अगर हम नहीं करना चाहेंगे नहीं हो सकती है। कितना भी काम करो, सारे राजनीतिक दलों की हर महीने मीटिंग हाँ तो फिक्स है, 10 तारीख को होगी, 5 तारीख को होगी, 7 तारीख को होगी, 8 तारीख को होगी, हमारी मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? हमारी मीटिंग में हो सकती है। 3 महीने में जिले की मीटिंग, 1 महीने में नगर की मीटिंग, नगर युवा की बैठक अलग और जिला युवा की बैठक अलग इसलिए होगी कि जब नगर युवा और महानगर एक में मिल जाता है ना, तो ये मालूम होता है कौन युवा का पदाधिकारी और कौन महानगर का पदाधिकारी। वो कहते हैं हमारे बैठे हैं, नगर युवा कहता है ये सब हमारे बैठे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सिस्टम अलग बना दिया है। नगर युवा की ताकत अलग दिखाई दे, जिला युवा की ताकत अलग दिखाई दे, महानगर की ताकत अलग दिखाई दे और जिला मुख्य मेन कमेटी की ताकत अलग दिखाई दे। हम लोग तो शपथ ग्रहण भी अलग अलग कर रहे हैं, महानगर का या नगर का शपथ ग्रहण अलग और जिले का शपथ ग्रहण अलग। अभी हमारे लखनऊ में महानगर का शपथ ग्रहण अलग हुआ और जिले का शपथ ग्रहण अलग। हमारे यहाँ तो 95-96 बाजार है, हर बाजार से 10-10 आदमी आ गए तो 1000 आदमी इकट्ठे होंगे। गांधी भवन में किया हम लोगों ने, शहीद स्मारक के सामने बहुत शानदार किया। उससे अब हमने जिले का अलग किया तो जिला महामंत्री को ये चिंता हुई कि भाई हमें 1000 लोगों को जुटाना है। महानगर का किया तो महानगर के महामंत्री को ये चिंता हुई कि मुझे 1000 आदमियों को जुटाना है। 1000 महानगर के सम्मेलन में जुड़ गए, 1000 जिले के सम्मेलन में जुड़ गए, तो हमारी ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताइए आप लोग। तो इस तरीके से अभी आपका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण होना चाहिए। अब उसकी डेट तय करके या तो अभी बता दीजिए या बाद में बता दीजिए। मार्च में किसी, फरवरी में लगन वगन ज्यादा है, मार्च में जिसमें लगन ना हो वो कोई डेट बता दीजिए कि ये हो जाए। एक बात मैं और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि गोरखपुर हमारा पूर्वांचल का बहुत बढ़िया जनपद है और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कभी पूर्वांचल प्रदेश बना तो गोरखपुर उसकी राजधानी बने, बनारस नहीं बने। ये मैं बता दूं इसलिए नहीं बनेगा कि वो बिहार के बॉर्डर पे, बॉर्डर का कोई नगर कभी राजधानी नहीं बना, बीच का नगर बना। गोरखपुर बीच में है, इधर भी 8-10 जिले हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी चारों तरफ। प्रदेश कार्य समिति की हमारी बैठक पिछले 3-4 सालों में यहाँ नहीं हुई, जबकि हर 3 साल में एक बार गोरखपुर में हुआ। तो मैं अपने जिलाध्यक्ष जी से भी, महानगर अध्यक्ष जी से भी और टेक्टी वाले से भी अनुरोध करता हूँ कि एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक अप्रैल में यहाँ पे हो, या तो जब आप शपथ ग्रहण करें उसी में हो जाए, 11 बजे से 1 बजे तक हो जाए हमारी कार्य समिति की बैठक, तो आपका डबल खर्चा नहीं होगा, और 1 बजे के बाद हो जाए शपथ ग्रहण तो उसी दिन हो सकता है। तो आप ये दोनों कार्यक्रम तय करके, अपना सलाह मशवरा करके, अपने कमेटी में रख करके और शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, पर रोड शो के साथ हो शपथ ग्रहण। और जिस दिन बाजार बंद रहेगा उस दिन नहीं होगा, ये भी सब संडे वाले दिन नहीं होगा। जिस दिन बाजार खुला रहेगा पूरा बाजार हमारी ताकत को देखे, युवा व्यापार मंडल की 100 मोटरसाइकिलें और 100 फोर व्हीलर का जलूस जब पूरे बाजार में निकलेगा और जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, व्यापारी को बीमा दो, पेंशन दो, पेंशन दो के नारे लगाते हुए जब रोड तो पूरे गोरखपुर में निकलेगा तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी और सारे अधिकारी बिलों में दबक जाएंगे, कोई 3 साल तक निकलेगा नहीं। मेरा अनुरोध है, मेरा जो आज आने का जो खास है, अब तो हम हर 3 महीने में आएंगे आपके यहाँ, ये समझ लीजिए, और जब भी हम आएंगे आप दोनों से बात कर लेंगे, बैठक की व्यवस्था करा दीजिएगा। और अब तो सबके गाँव मिलता नहीं है, और एक बड़ा संजोग ऐसा है
जिस दिन मैं आता हूँ उसी दिन माननीय योगी जी आ जाते हैं। न PWD मिलता है न सर्किट हाउस मिलता है, फिर भी आपने इतनी अच्छी बैठक की, मैं इसके लिए अपने महानगर अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को और अन्य सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके आदेशों का, आपके निर्देशों का अच्छा सा पालन करेंगे। आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया है और ये बैठक हमने ली है संगठन को मजबूत बनाने के लिए और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस बैठक में विचार किया गया। अभी हमारी केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में व्यापक सुधार करने जा रही है और उन्होंने व्यापार मंडल के लोगों से, व्यापारियों से, उद्यमियों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। हम लोगों ने 4 सुझाव दिए हैं कि इनकम टैक्स की छूट की सीमा 6 लाख रुपए की जाए, क्योंकि हमारे बगल के देश चीन ने 6 लाख की छूट की सीमा कर दी है। 80G में 1.5 लाख की सीमा बढ़ा के 3 लाख की जाए और इनकम टैक्स की दर 10 लाख के नीचे 5%, 10 लाख से 20 लाख की आय पे 10%, 20 लाख से 50 लाख की आय पे 20% और 50 लाख से ऊपर की इनकम पे 25% की जाए, इससे ज़्यादा न की जाए। और जो प्राइवेट फर्म और कंपनियां हैं उनके नियम एक ही रखे जाएं, अभी उन दोनों में अंतर है जिससे प्राइवेट जो फर्में हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से GST के बारे में कुछ खामियाँ आई हैं। GST में हम चाहते हैं कि 1,12,00,000 व्यापारियों का बीमा किया जाए, सुरक्षा बीमा, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। व्यापारियों को पेंशन देने का नियम बनाया जाए, क्योंकि व्यापारी एक टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करता है। एक विभाग के टैक्स कलेक्टर को पेंशन दी जा रही है, जैसे इनकम टैक्स अधिकारी, GST के अधिकारी, हम तो 3 विभागों के टैक्स कलेक्टर हैं, GST के टैक्स कलेक्टर हैं, मंडी विभाग के हैं, वन विभाग के हैं, तो व्यापारी को पेंशन दी जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश से मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए और वन विभाग का टैक्स समाप्त होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग से खुदरा व्यापारियों को खतरा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगानी चाहिए। हम समझते हैं सरकार हमारी इन मांगों को सुनेगी और समाधान करने का काम करेगी। व्यापारी भाइयों को दिशा निर्देश यही दिया गया कि अपनी समस्याएं यहाँ पे माननीय योगी जी के सामने भी रखिए और हमारे जो शुक्ला जी हैं, शिवप्रताप शुक्ला जी, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, उनके सामने भी रखी जानी चाहिए और महीने में एक बार नियमित रूप से बैठक होनी चाहिए और उसमें जो भी समस्याएं आएं उसका समाधान होना चाहिए।